मिस राधे राधे, कैसे हैं आप? और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैं अभी बच्चों को दूध वगैरह दे दी हूँ और यहाँ टीचर डे की तैयारी चल रही है। छवि देखिए मौसी से अपने बनवा रही है कुछ टीचर्स को देने के लिए। और रुपेश जो है ये देखिए, और रुपेश जो है ना वो होम थिएटर लगा के गाना बजा के कुछ कर रहा है। छवि देखिए यहाँ पर है और छवि ना कुछ तैयारी कर रही है। लाइट बंद कर दूँ। छवि कुछ तैयारी कर रही है तो मैंने सोचा मैं कुछ कहना चाह रही थी अमोली जी से। वो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, उनकी बात करने का तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उनका जो ट्राईपोर्ट है ना वो टूट गया है उनकी बेटी से शायद, तो वो गुस्सा हो रही थी। तो मैंने उन्हें कमेंट भी किया और मैं दिखाती हूँ आपको अपना ट्राईपोर्ट कि मेरा ट्राईपोर्ट किस हालत में है, फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ। जी देखिए यहाँ पर मैंने लास्टिक लगाया, ये देखिए मैं लास्टिक लगाई हूँ। यहाँ पे देखिए जो है डोरी लगाई हुई हूँ, डोरी की सहायता से ये जो ट्राईपॉड है वो खड़ा नहीं हो रहा था तो यहाँ से खड़ा की हूँ। और बहुत ज़्यादा जो यहाँ फॉल्ट आ गया है, यहाँ पे देखिए अमोली, यहाँ पे मैंने एक स्क्रू बड़ा सा लगाया इससे, जिससे कि ये जो है ये थोड़ा, ये देखिए ये मेरा ट्राईपॉड जो है पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, फिर भी मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। और बच्चों से जो है ना गलतियाँ होती रहती हैं, तो बच्चे ही कैसे जो गलतियाँ ना करें, बच्चे ही गलतियाँ करते हैं, हम बड़े तो गलतियाँ नहीं करेंगे ना। और अगर बदमाशी नहीं करेंगे तो बच्चे ही कैसे, तो इसीलिए उन्हें बच्चे कहा गया है। और ये बचपन है, ये बचपन की गलतियाँ हैं। कल आपको भी अच्छा लगेगा कि यहाँ ऐसा। अब मैंने भी दूसरा ट्राईपॉड नहीं मंगाया, इसी से मैं काम अपना चलाती हूँ। और क्योंकि जब फेमस हो जाऊंगी ना तो नया ट्राईपॉड मंगाऊंगी मैं भी। अभी तो इसी से काम खैर चला लेती हूँ। तो अभी आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए और आज मैं बनाऊंगी अंडा करी। तो मैंने देखिए अंडे को छील लिया है और बच्चे जो अंडा करी नहीं खाते हैं ना तो उनको मैंने बॉयल अंडा खिला दिया है और यहाँ पर रखा है कच्चा अंडा। इसका मैं बनाऊँगी ऑमलेट बच्चों के लिए, ये देखिए यहाँ पर। तो इसका मैं ऑमलेट बना दूंगी और सिर्फ मैं और लक्ष्मी खाऊंगी, हस्बैंड भी नहीं खाते हैं अंडा, उन्हें डॉक्टर मना किया है। तो अभी मैं जो डिनर है वो तैयार कर लेती हूँ। यहाँ टीचर डे की तैयारी चल रही है, कुछ वो बनवा रही है कार्ड वगैरह। छवि क्या हुआ? तो अभी मैं मिलती हूँ। अभी जो है ना वो डांस कर रही है, तो वही मैं दिखा रही थी आपको कि वो डांस कर रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ ऑमलेट बना देने बच्चों के लिए, बच्चों को नाश्ता करा देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप? और मैं बताती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे मेरी तरह। तो अभी मैं मसाले निकाल लेती हूँ, सूखे मसाले जो है ना एक प्लेट में निकाल लूँगी सारे और फिर इसके बाद मैं ऑमलेट बना लूँगी, फिर बच्चों को दे दूँगी, उनका नाश्ता भी हो जाएगा इसी से। ऑमलेट जो है वो बन रहा था, एक प्लेट में मैं निकालती जा रही थी और बच्चों से बोल रही थी कि साथ ही ले जाओ, पर मेरे बच्चे जो है ना वो नॉनवेज पसंद नहीं करते हैं। मैं उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती हूँ क्योंकि इन सब में जितना प्रोटीन होता है ना उतना किसी में नहीं। हम नॉनवेज खाने वालों का तो सोच यही है, बाकी प्रोटीन तो हर चीज़ में मिलता है। तो साथ में ही बच्चे भी खा रहे थे क्योंकि वो ऐसे नहीं खाते हैं, जब उन्हें ज़बरदस्ती करूँगी ना तभी वो लोग खाते हैं। तो मैं लेके अपने साथ बैठी थी कि उन्हें खिला लूँगी और जब बच्चों ने ऑमलेट खा लिया तो
तो फिर मैं किचन में आ गई थी अंडा करी बनाने के लिए, और गैस पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है, और जो मैंने अंडा फ्राई किया था ना तवे पे, वो तेल भी मैं डाल देती हूँ कुकर में, और सरसों का तेल डाल दूँगी, क्योंकि अंडा जो था मैंने उसे रिफाइंड तेल में फ्राई किया था, और कड़ी जो है वो मैं सरसों के तेल में बनाऊँगी। तेल जब गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दिया है, और हींग मैं आपको दिखा नहीं पाई पर मैंने इसमें एक चुटकी हींग भी डाला था, और फिर ये बारीक कटी हुई प्याज है, मतलब ऑमलेट के जैसा प्याज नहीं है, बस मैंने इसे बड़ा बड़ा ही पतला पतला काट लिया था, तो मैं इसे अभी फ्राई कर लूँगी। फ्राई नहीं करूँगी, जैसे कि मैं इसमें नमक डाल दूँगी इसके साथ ही, प्याज के साथ, और फिर इसे मैं लो फ्लेम पर रख के इसे मतलब सॉफ्ट कर लूँगी, फ्राई नहीं करूँगी इसे। जब ये अच्छी तरीके से गल जाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाते हैं इस तरह से, अगर हम लो फ्लेम पे प्याज को पकाते हैं तो इसका टेस्ट कुछ दूसरा ही आता है। और इसे मैं अभी कर लेती हूँ प्याज को। अंडा करी नहीं खाओगे? पूरा सब्जी नहीं लोगे? पानी ले जाओ, पानी लेके चले जाओ ना। रुपेश अंडा करी नहीं खाएगा तो सुबह का नीमवा का सब्जी था वो, नीमवा का सब्जी और रोटी खाएगा वो लेके गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा ना कि रुपेश आया, अगर मेरे बच्चों को पता चल जाएगा कि आज घर में नॉनवेज बन रहा है तो उन्हें शाम को ही भूख लग जाएगी, और जो भी सुबह का खाना होगा ना वो खा के पेट भर लेते हैं और कहते हैं कि अब मेरा पेट फुल हो गया, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे खाना मत दीजिएगा आप। तो मैं खिला देती हूँ फिर भी वैसे, और रुपेश को बॉयल अंडा भी मैंने दे दिया था और ऑमलेट दे दिया था, तो अगर वो अंडा करी नहीं खाएगा तो भी कोई बात नहीं है, पर मैं ज़बरदस्ती अगर नॉनवेज होता है तो मैं शाम को इन्हें खाना नहीं देती हूँ, और एक साथ ही मतलब जब डिनर कराती हूँ तो नॉनवेज अपना वो नहीं खाता है, फिर भी मैं ज़बरदस्ती खिला देती हूँ उसे। तो इधर मैंने बर्तन भी वाश कर लिए हैं। तो ये देखिए प्याज जो है वो गल गया है बहुत अच्छी तरीके से, ये फ्राई नहीं है पर गल गई है। तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक टमाटर और हरी मिर्च का ये मैंने पेस्ट बनाया है इसे मैं डाल दूंगी, प्याज मैंने नहीं पीसा है इसमें। तो अभी मैं मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी, और एक प्लेट में मैंने जो मसाले निकाले थे, हल्दी आधा चम्मच, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और ये जो घर पे मैंने गरम मसाला तैयार किया था वो, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर गरम मसाले का वीडियो मैंने डाला है गरम मसाले का, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेंगे। और फिर मैं अंडे को कुछ प्लस के साइन की तरह कट कर लूँगी, ताकि जो जब मैं इसे ग्रेवी में डालूँ ना तो अंदर तक जो ग्रेवी है वो इसमें चला जाए। और इधर मैं मसालों को ही भून लेती हूँ, और ये देखिए फ्रेंड्स मसाले जो हैं वो भून गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें एक चम्मच बेसन ऐड करूँगी, ये ट्रिक है, अब बेसन ऐड करने से अंडा करी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अभी ये भी थोड़ी देर ही भूनूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं भूनूँगी, और मैं दो ही लोग हम लोग ग्रेवी खाएंगे, मैं और लक्ष्मी, तो मैंने आधा गिलास ही पानी डाला है, आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा है। और फिर मैंने सीटी लगा दी है, और बस दो सीटी के बाद बंद कर दूंगी गैस को, बस कुछ ही मिनटों में जो अंडा करी है वो रेडी हो जाएगा। तो अभी अंडा करी मैंने बना लिया है, और ये देखिए कितना गर्मी हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा पूरा सिंदूर मेरा जो है वो बह गया है, मुझे कुछ ज़्यादा पसीना भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा जो है ना दिन जल्दी ढल जा रहा है और शाम जल्दी हो जा रहा है, थोड़ा सा शाम को ना हल्की हल्की ठंड लगती है, और ठंड मुझे बहुत पसंद है, मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद है। गर्मी का जब सीज़न शुरू होता है तो पहले से ही मैं डर जाती हूँ कि अब गर्मी आएगा पसीना होगा, और ठंड में तो आप चाहे जिस तरीके से रहिए, जिस तरीके से
अगर लाइट नहीं भी रहेगी तो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, पर गर्मी में हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। गर्मी से मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, लेकिन जब ठंडी आती है ना तो मेरा जी करता है कि ठंडी जाए ही ना, सिर्फ ठंडी ही रहे। गुलाबी ठंडी भी मुझे अच्छी लगती है, ठंडी चाहे कितनी भी ठंडी हो मुझे अच्छी लगती है, बस मैं गर्मी नहीं पसंद करती हूँ। तो अभी अंडा करी बन गया है, चावल बन जाएगा, लक्ष्मी चावल बना देगी, लक्ष्मी वहाँ पर लेती हुई है और अभी वो चावल बना देगी, फिर हमारा डिनर हो जाएगा। तो आज मैं आप लोग को अंडा करी खिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए आप सब। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, ना ही सब्सक्राइब करने के, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। और आप सभी का सपोर्ट मिलेगा तो ही मैं कुछ कर पाऊँगी, और आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज़ फ्रेंड, और मुझे बहुत उम्मीद होती है जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ ना, तो मुझे बहुत उम्मीद होती है कि ज़्यादा लाइक, ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, ज़्यादा लाइक आएंगे, लेकिन नहीं आते हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जिससे कि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी ना उसके नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेंगे। तो अभी चावल बन जाएगा, फिर हम सब डिनर करेंगे। रुपेश का डिनर हो गया है, हम लोग अभी करेंगे। तो अभी आपने देखा अंडा करी जो है वो कितना अच्छा दिखने में लग रहा है, और खाने में बहुत टेस्टी था ये, और सभी को बहुत पसंद आया। मैं और लक्ष्मी और छवि खाए थे, रुपेश तो नेनुआ और रोटी खा के वो सो गया था सुबह का खाना। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी थाली लग गई है, रोटी चावल, और एक मिनट दिखाती हूँ आपको, रोटी चावल और ये अंडा करी। और अब हम जा रहे हैं डिनर करने। लक्ष्मी की थाली है, मैं अपनी थाली लगा लेती हूँ। बैठो, रख दो छवि, रख दो, रख दो छवि, रख दो। काजल लगाई हो क्या, पूरे आँख में फैलाई हो? हाँ, तुम्हारा आई थोड़ा सा छवि को खिला ले, फिर लो सॉरी, पहले मैंने छवि को खिला दिया, पर ये निवाला मैं आपके लिए लगा रही हूँ, आइए खा लीजिए। और आज का ब्लॉग यहीं तक का है, मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। गुड नाइट फ्रेंड्स।